हेलो दोस्तों, आयुष्मान खुराना और वाणी कपूर की फिल्म चंडीगढ़ करियास की जिस फिल्म को रिलीज हुए आज 4 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। और दोस्तों साथ ही में बात करने वाले अंतिम द फाइनल टू फिल्म के अब तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और बात करेंगे तड़प फिल्म के टोटल 11 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें चंडीगढ़ करियास की फिल्म के बारे में। तो दोस्तों चंडीगढ़ करियास की जो कि एक रोमांटिक ड्रामा मूवी थी जिस फिल्म में नजर आए थे वाणी कपूर और साथ ही में आयुष्मान खुराना इस फिल्म की कास्ट का हिस्सा था। तो दोस्तों इस फिल्म का बजट लगभग 45 करोड़ रुपए के आसपास है, लेकिन दोस्तों इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड मार्केट में 3000 स्क्रीन में रिलीज किया गया था और इस फिल्म ने अपने रिलीज के पहले दिन कमाई की 3,75,00,000 रुपए की। वहीं दोस्तों इस फिल्म ने अपने रिलीज के दूसरे दिन कमाई 4,87,00,000 रुपए और दोस्तों कल था संडे और संडे होने के कारण इस फिल्म के कलेक्शन में भारी ग्रोथ देखने को मिली और इस फिल्म ने कमाई की 5,91,00,000 रुपए। वही दोस्तों आज ये फिल्म कमाई कर रही है लगभग 2.5 करोड़ रुपए। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म का अब तक का 4 दिनों का इंडिया नेट कलेक्शन हो चुका है लगभग 17,03,00,000 रुपए का। वही दोस्तों इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन जो की हो चुका है लगभग 23 करोड़ रुपए का। तो दोस्तों अब बात करें अंतिम द फाइनल ट्रूथ फिल्म के बारे में। तो दोस्तों अंतिम द फाइनल ट्रूथ फिल्म को रिलीज किया गया था 26 नवंबर को और इस फिल्म को आज रिलीज हुए टोटल 18 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोस्तों इस फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में इंडिया नेट कलेक्शन में कमाई की थी 29,35,00,000 रुपए की। वहीं दोस्तों इस फिल्म ने अपने सेकंड वीक में कमाई थी 8,29,00,000 रुपए। वहीं दोस्तों इस फिल्म ने अपने 15वें दिन कमाई की थी लगभग 25,00,000 रुपए की। वहीं दोस्तों इस फिल्म ने अपने 16वें दिन कमाए थे लगभग 35,00,000 रुपए और अपने रिलीज के 17वें दिन यह फिल्म कमाई करती हुई नजर आ रही है लगभग 40,00,000 रुपए का। वहीं दोस्तों आज इस फिल्म का 18वां दिन और अपने रिलीज के 18वें दिन यह फिल्म कमाई कर रही है लगभग 30,00,000 रुपए की। इसी के चलते दोस्तों इस फिल्म का जो टोटल 18 दिनों का इंडिया नेट कलेक्शन हो चुका है वो हो चुका है लगभग 39 करोड़ रुपए का। वहीं दोस्तों इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन जो कि 60 करोड़ रुपए के ऊपर जा चुका है। लेकिन दोस्तों अंतिम द फाइनल ट्रूथ जो कि बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप फिल्म साबित हो चुकी है क्योंकि इस फिल्म का बजट 45 करोड़ रुपए था और इस फिल्म को इंडिया नेट कलेक्शन में लगभग 60 करोड़ रुपए की कमाई करनी थी, लेकिन दोस्तों ये फिल्म इतनी कमाई नहीं कर पाई और हो चुकी है बॉक्स ऑफिस पर एक बहुत बड़ी फ्लॉप। तो दोस्तों अब बात करें तड़प फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों तड़प फिल्म को 3 दिसंबर को रिलीज किया गया था और इस फिल्म ने आज अपनी रिलीज के टोटल 11 दिन कंप्लीट कर लिए। तो दोस्तों तड़प फिल्म को लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया था क्योंकि ये फिल्म जो कि अहान सेट्टी की डेब्यू मूवी थी और दोस्तों इस फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में कमाई की 21,04,00,000 रुपए की। वही दोस्तों इस फिल्म ने अपने 8वें दिन कमाई 1,03,00,000 रुपए। वही दोस्तों अपनी रिलीज के 9वें दिन इस फिल्म ने कमाई की 1,30,00,000 रुपए की और अपनी रिलीज के 10वें दिन यानी कि कल इस फिल्म ने कमाई की लगभग 1,84,00,000 रुपए की। वही दोस्तों अपनी रिलीज के 11वें दिन यानी कि आज ये फिल्म कमाई कर रही है लगभग 1 करोड़ रुपए की। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म का जो टोटल 11 दिनों का इंडिया नेट कलेक्शन हो चुका है वो हो चुका है लगभग 26 करोड़ रुपए का। वहीं दोस्तों इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन जो कि 40 करोड़ रुपए हो चुका है। तो दोस्तों तड़प फिल्म का बजट जहां 35 करोड़ रुपए है तो इस फिल्म को हिट होने के लिए इंडिया नेट कलेक्शन में लगभग 50 करोड़ रुपए की कमाई करनी होगी। तो दोस्तों देखते हैं अब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट होगी या फिर होगी फ्लॉप। वैसे दोस्तों इन तीनों में से आपको कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद आई हमें कमेंट में जरूर बताएं और इसी तरह बॉक्स ऑफिस से जुड़ी हर अपडेट के लिए द संजू मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।